Good morning children, welcome to the online classes from New Rajasthan Public School. I am taking your English subject. पिछले दो वीडियोस में तीन वीडियोस में मैंने क्या हमने क्या पढ़ा है ये चैप्टर पूरा रीड किया उसके आगे फिर क्वेश्चन आंसर फिर फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हो गया. आज हम क्या करेंगे टिक द करेक्ट आंसर. देखो आ एस ओ एल टिक द करेक्ट आंसर. जो सही आंसर है चार चार ऑप्शन है उसमें जो सही आंसर है उसके आगे टिक लगाना है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी ये ब्लैंक्स में भरना है. ओके देखो अ सोल्जर फिर ब्लैंक्स है. ये ऑप्शन ए इज डिफेंस. आवर कंट्री ये राइट है क्या. फिर बी सेल्स फ्रूट्स. सेल्स फ्रूट मतलब डिफेंस आवर कंट्री हमारे देश की रक्षा करता है. बी सेल्स फ्रूट्स फ्रूट्स फल बेचता है. नंबर सी इज एप्स. इन आ मूवी मूवी यानी पिक्चर में क्या एक्ट्स करता है एक्टिंग करता है. नंबर डी ब्रिंग्स आवर लेटर्स आवर लेटर्स यानी हमारे खत लाता है. तो कौन सा सही है. अ सोल्जर क्या है हमारे देश की रक्षा करता है. खुद करो ट्राई करो और इसमें क्या है ये ए में टिक लगाओ और इसके आंसर भी लिखो डिफेंस आवर कंट्री. आवर कंट्री सोल्जर डिफेंस आवर कंट्री. नंबर टू आ फिर ब्लैंक्स है. प्लाउज द फील्ड फील्ड मैदान में कौन प्लाउ करता है. आ ड्राइवर. बी ड्राइवर करता है क्या. फार्मर. नंबर सी पुलिसमैन. और नंबर डी स्वीपर. तो आंसर क्या है. आ फिर ब्लैंक्स है. प्लाउज द फील्ड. फील्ड में खेती कौन करता है. ड्राइवर फार्मर पुलिसमैन या स्वीपर. फार्मर फार्मर में टिक करो और आंसर यहाँ पे फार्मर. नंबर सी थ्री आ कॉबलर रिपेयर्स आवर ब्लैंक्स है. कॉबलर क्या रिपेयर करता है क्या मरम्मत करता है. बुक्स बुक्स करता है क्या. नो. हाउस हाउस की रिपेयर करता है क्या. नो. सी स्वेटर्स स्वेटर के रिपेयर करता है क्या. नो. और नंबर डी इज शूज. यस तो शूज हमारे टॉर्न फटा पुराना जो शूज है उसके रिपेयर करता है कौन. कॉबलर. तो शूज के आगे टिक लगाओ और यहाँ पे आंसर शूज लिखो. नंबर फोर
आ, फिर ब्लैंक्स है, स्वीप्स, रोड्स, नंबर ए स्वीपर, बी सोल्जर, सी स्विमर एंड डी टेलर। तो आंसर क्या है? डैश स्वीप्स अवर रोड्स, मैंने रोड्स के, रोड्स में झाड़ू कौन लगाता है? स्वीपर, फर्स्ट में है आंसर स्वीपर, सोल्जर, स्विमर, टेलर। तो आंसर इज क्या है? स्वीपर। तो इसमें लिखो ब्लैंक्स में स्वीपर, ठीक है। तो ये बुक में भी फिल करना, फिल योर बुक एंड डू इट योर कॉपी। इसके आगे आप क्या है क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। सर चलो अब देखो, मैच मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन आंसर बाद में करवाऊंगी। अब देखो मैच द फॉलोइंग, तो ये बुक में भी करना है आपको, कॉपी में भी आप लोगों को करना है। ये काम कर लेना, मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर दूसरा वर्क समझाती हूँ। ओके नेक्स्ट देखो डी, ये भी क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डज अ सोल्जर हेल्प अस, हाउ डज अ सोल्जर हेल्प अस, सोल्जर हमारी मदद कैसे करता है, क्या करता है सोल्जर? डिफेंस आवर कंट्री, सोल्जर हमारी क्या करता है? देश की रक्षा करता है। तो अ सोल्जर डिफेंस आवर कंट्री, इट मेक्स अस फील एंड सेफ। अ सोल्जर डज है, इसलिए डिफेंस, वर्ब इज डिफेंस, रक्षा करना, डिफेंस आवर कंट्री, इसके आगे ही मेक्स अस फील एंड सेफ, फील सेफ, ठीक है। तो व्हाट डज अ सोल्जर हेल्प अस, हेल्प मतलब मदद करना, हाउ डज अ सोल्जर हेल्प अस, सोल्जर कैसे, फौजी कैसे हमारी मदद करता है। अ सोल्जर डिफेंस, सोल्जर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसलिए डज है वर्ब, इसलिए डिफेंस आवर कंट्री, सोल्जर हमारे देश की रक्षा करता है। ही मेक्स अस फील सेफ, हमें क्या सुरक्षित रखता है, बस यही है आंसर। अब नंबर टू, हाउ डज अ फार्मर, हाउ डज अ फार्मर कंट्री
contribute to our health. How does a farmer contribute to our health? Contribute मतलब योगदान. Farmer कैसे हमारे health स्वास्थ्य के बारे में कैसे योगदान करता है? क्या farmer हमारी खेती करता है और खेती से हमें क्या फसल सब्जी मिलता है और वो खा के हम क्या हेल्दी होता है? तो ये आंसर लिखना है, छोटा करके लिखो. अ फार्मर आ फार्मर फार्म्स इन द फील्ड. मैदान में क्या फार्मर खेती करता है, फार्म्स करता है और क्या एंड प्रोवाइड फूड टू एवरीबॉडी. प्रोवाइड फूड टू एवरीबॉडी. ये डी हो गया. ठीक है, हाउ डज अ फार्मर कंट्रीब्यूट टू आवर हेल्थ. फार्मर क्या हमारी हेल्थ के बारे में क्या उसके क्या योगदान है? फार्मर क्या करता है? फार्मर फार्म्स इन द फील्ड. फार्मर फील्ड मैदान में फार्म्स खेती करता है एंड प्रोवाइड फूड टू एवरीबॉडी और सबको क्या फूड प्रोवाइड करता है, फूड खाना क्या सब्जी प्रदान करता है. तो ये हो गया इसके आंसर. नेक्स्ट ई में भी सेम क्वेश्चन आंसर ही है. ये शॉर्ट टाइप के आंसर हैं. नंबर वन, व्हाट वन लाइन आंसर है इसके. डज अ सोल्जर डू, व्हाट डज अ व्हाट यानी क्या, व्हाट डज अ सोल्जर डू. डू मतलब करना. सोल्जर क्या करता है? सोल्जर हमारी देश की रक्षा करता है. रक्षा करने की इंग्लिश क्या है? डिफेंस. क्या लिखना है? अ सोल्जर डिफेंस आवर कंट्री. अ सोल्जर डिफेंस आवर कंट्री. नंबर टू, व्हाट डज अ कॉबलर डू. क्वेश्चन वन आंसर करने के बाद वन लाइन लीव. सब क्वेश्चन आंसर एक एक क्वेश्चन आंसर करने के बाद वन लाइन लीव करना है, एक लाइन छोड़ना है. नेक्स्ट देखो, व्हाट डज अ कॉबलर डू. कॉबलर यानी मोची. मोची क्या करता है? अ कॉबलर रिपेयर्स आवर शूज. हमारे शूज क्या रिपेयर करता है? एक लाइन में लिखना है, एक सेंटेंस में. अ कॉबलर रिपेयर्स यानी मरम्मत करना. रिपेयर्स आवर शूज. अ कॉबलर रिपेयर आवर शूज. ठीक है, तो क्वेश्चन वन टू बस, ओनली वन क्वेश्चन लेफ्ट. व्हाट does a milkman do. What does a milkman do? Milkman यानी ग्वाला या दूध वाला. दूध वाला क्या करता है?
milkman sells milk. बस क्या लिखना, a milkman, milkman. सेल्स मिल्क, सेल्स मतलब बेचना, दूध वाला क्या करता है, दूध बेचता है, तो मिल्क मैन सेल्स मिल्क. तो ये थ्री क्वेश्चन आंसर तो वेरी इजी, लेकिन ये जो है डी के क्वेश्चन वन और टू अच्छे से लर्न करना है इसको, ठीक है. ये थोड़ा बड़ा है, दो सेंटेंस में है, इसको भी लर्न करना है, इसको भी लर्न करना है, और गुड हैंड राइटिंग में ये वर्क करना है. ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है, ये टिक द करेक्ट आंसर और क्वेश्चन आंसर डी और ई, ठीक है. तो ये है यहाँ पे डी में टू क्वेश्चन आंसर और ई के थ्री क्वेश्चन आंसर. पहले भी ए के ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, तो ये फिफ्थ यहाँ पे भी मैंने फोर करवाया था, तो फोर, ये टू, सिक्स, सिक्स थ्री, नाइन, तो नाइन क्वेश्चन आंसर टोटली एक चैप्टर में, इस चैप्टर में आप लोगों को लर्न करना है. तो गुड हैंड राइटिंग में ये कॉपी में वर्क करना है, ये ओनली कॉपी, कॉपी में बुक में फिल नहीं करना है, इसमें बुक में स्पेस प्रोवाइड है लेकिन जगह कम है, इसलिए ये वर्क कॉपी में करना है, गुड हैंड राइटिंग में करना है. तो ये कॉपी में कर लो. चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.